रही है, कहीं लॉकडाउन तेज करने की बात हो रही है तो कहीं नियमों में शिथिलता भी दिखा रही है, लेकिन लोगों की आवाजाही को प्रशासन रोक नहीं पा रही जो चिंता का विषय बना हुआ है। बात कर रहे हैं दुर्ग जिले के ग्राम नंदकट्टी के शराब भट्टी की, जहां बेतरतीब हजारों की भीड़ लगी हुई है। रोड में इतनी गाड़ियां हैं कि जाम की स्थिति बनती जा रही है, वहीं मेले जैसे भीड़ का माहौल वहां लगा हुआ है। यहां सोशल डिस्टेंस पालन करना तो दूर, मास्क और सैनिटाइजर की बात करना तो दूर, प्रशासन भीड़ को नियंत्रित भी नहीं कर पा रही। खचाखच भीड़ के बीच संक्रमण के खतरे बढ़ने की आशंका बनी हुई है। इसी बीच जागरूक ग्रामवासियों ने भी संक्रमण बढ़ने की चिंता जताते हुए जिला कलेक्टर को सोशल मीडिया के माध्यम से लिखित शिकायत भी की है। गौरतलब हो कि ननकट्टी के निकट के ही गांव जेवरा सिरसा में पिछले सप्ताह 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, इसके बाद भी प्रशासन सबक नहीं ले रहा। इस संबंध में ननकट्टी के ग्रामवासियों की शिकायत पर दुर्ग कलेक्टर से संपर्क कर संज्ञान लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दुर्ग जिले के साथ साथ अन्य जिलों में लॉकडाउन 22 तारीख से 29 तारीख तक किया गया है, जिसमें दुर्ग जिले के ग्राम एक तरफ लॉकडाउन का जनता नियमों का पालन कर रहे, दूसरी ओर ग्राम ननकट्टी के शराब दुकान में ताबड़तोड़ भीड़ देखी जा रही है, और साथ ही साथ हमारे गाँव के आस पास के साथ साथ अन्य जिलों जैसे बेमेतरा, रायपुर, नांदगांव के लोग भी आज हजारों लोगों की भीड़ देखी जा रही है, और इस कारण से हमारे ग्राम ननकट्टी में गांव के लोग भी भयभीत हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.